तो दोस्तों ये है इंडिया का सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत रेल ब्रिज जो कि समुद्र के ऊपर बना हुआ है। ये होता है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये पुराना वाला ब्रिज 100 साल पुराना हो चुका है जो कि अंग्रेजों के टाइम में बनाया गया था। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 और अभी हम रामेश्वरम से चेकआउट कर रहे हैं, सॉरी रामेश्वरम से निकल रहे हैं हम यहाँ पे एक्चुअली, और ये भारत सेवा आश्रम जहाँ पे हम रुके हुए थे यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। और अभी हमारी ट्रेन है जो कि पाम्बन ब्रिज होते हुए जाएगी मदुरई तक, और इसलिए हम वो ट्रेन लेना चाह रहे हैं गाइज क्योंकि हमें पाम्बन ब्रिज को रिकॉर्ड करना है। 5:40 में हमारी ट्रेन है जो कि रामेश्वरम से मदुरई तक जाती है, मदुरई से आगे भी जाती है बट हमें जाना है मदुरई तक। तो चलो आपको बाकी आगे चल के बताते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया, बट गाइज 5 बज गए ऑलरेडी यहाँ पे और हमें स्टेशन जल्दी पहुँचना है। चलो मिलते हैं आपको स्टेशन पे। हाँ तो गाइज चलो जल्दी बढ़ते हैं आगे यहाँ से, अभी टाइम 4:57 हो गया है, 5 पूरा नहीं बजा है, तो चलो पहुँचते हैं जल्दी से और वहाँ पे चलो पहुँच के आपको बताते हैं सब कुछ और अच्छे से। छः से मीटर बचाए बस। गाइस यहाँ पे एक सामने कुत्ता है, यहाँ पे हमें देख के भौंके जा रहा है और जब जैसे हम उसके पास सामने बढ़ते जा रहे हैं ना उसके पास वो तो भागे जा रहा है। अभी देखो दौड़ूंगा भागेगा। भागे जा रहा है, भागते भागते भागे जा रहे हैं आगे। तो गाइस पहुंच गए स्टेशन और टिकट भी ले लिया हमने, 140 का टिकट पड़ा 70 रुपीज़ ईच। तो चलो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी में बैठते हैं सीट लेते हैं चल के क्योंकि तो जनरल टिकट है, सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई कंफर्म नहीं है। चलो पहले गाड़ी में पहुँचते हैं। सो हे गाइस पहुँच गया मैं प्लेटफॉर्म पे अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और हमारी ट्रेन लगी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये वाली मदुरई एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन से हमें मदुरई तक की जर्नी करनी है जो कि 9:30 तक की होगी, 9:30 हम लोग मदुरई पहुँचेंगे और यहाँ से 5:40 शॉप में खुलने का टाइम है। तो देखते हैं हमारी ट्रेन कब खुलते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम मंडपम जो कि इंडिया का लास्ट स्टेशन है क्योंकि रामेश्वरम एक आइलैंड है गाइस, रामेश्वरम को एक आइलैंड में गिना जाता है, ये समुद्र के बीच में बसा हुआ है तो इसलिए मंडपम जो लास्ट स्टेशन है वहाँ के बाद पाम्बन ब्रिज आते हैं और फिर रामेश्वरम प्लेस आता है, ये जो आइलैंड है रामेश्वरम ये आता है। चलो 5:40 हमारी ट्रेन खुलेगी जो मंडपम रामनाथपुरम के रास्ते जाएगी मदुरई तक। चलो ट्रेन निकलती है तो फिर मिलते हैं आपसे हम और आप दोनों मिल के देखेंगे यहाँ से पाम्बन ब्रिज का पूरा जर्नी, पाम्बन ब्रिज कैसा है सब कुछ देखेंगे गाइज। चलो मैं बहुत एक्साइटेड इसके लिए गाइज, तो मिलते हैं आपसे ट्रेन खुलने के बाद। और गाइज ये वाली ट्रेन जो है ये हमारी ट्रेन की विशेल नहीं थी गाइज, ये जो हमारी ट्रेन है गाइज ये रामनाथपुरम से मदुरई तक ही जाती है, रामनाथपुरम का कोड RMM है और मदुरई का MDU। और गाइज अगर आपको मैं कोई कुछ डिटेल और बताऊं, अगर आप सनराइज रिकॉर्ड करना चाहते हो ये टाइम बेस्ट टाइम है गाइज, 5:40 में ट्रेन खुलती है और आज का सनराइज़ होने का टाइम है 5:52, तो 5:52 तक सनराइज़ हो जाना चाहिए, 5:55 में हमारी जो ट्रेन है पाम्बन ब्रिज पर पहुँचेगी तो इसलिए वहाँ से हम आगे जाएंगे फिर पाम्बन ब्रिज का पूरा रास्ता देखेंगे। और अगर आपको गाइज यहाँ से रामेश्वरम टू मदुरई या फिर रामनाथपुरम जाना है और सनसेट रिकॉर्ड करना है आपको तो आप कर सकते हो, वो भी 5:25 में एक ट्रेन जाती है चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस जो चेन्नई के लिए जाती है फ्रॉम रामेश्वरम वाया मदुरई, और अगर किसी को सनराइज रिकॉर्ड करना है तो ये वाली ट्रेन है। ये दोनों ट्रेन रोज चलती है गाइज, और एक दोपहर में भी ट्रेन चलती है 2:25 में, 2:25-2:40 के अप्रॉक्स, अगर आपको दोपहर में जाना है तो आप दोपहर में भी जा सकते हो। तो चलो मिलते हैं हमारी ट्रेन खुलने के बाद। हाँ तो गाइज 5:40 शार्प हमारी ट्रेन खुल चुकी है रामेश्वरम स्टेशन से और 5:55 में हम पहुंचेंगे पाम्बन ब्रिज पे। चलो तो चलो हम पहुंचते हैं पाम्बन ब्रिज पे, यहाँ से आप वहाँ तक का रास्ता देखो।
अब हम यहाँ से एंटर करने वाले हैं पामबन ब्रिज पे, जो कि जहाँ से इंडिया का मोस्ट डेंजरस रेल ट्रैक गया हुआ है, आपको दिखाएंगे अभी। तो अब हम एंटर कर रहे हैं पामबन ब्रिज पे, जो कि इंडिया का सबसे खतरनाक रेल ब्रिज है गाइस। और समुद्र देखो एकदम बिल्कुल पास। तो दोस्तों ये है इंडिया का सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत रेल ब्रिज, जो कि समुद्र के ऊपर बना हुआ है। हम हैं अभी पामबन ब्रिज पे, बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और इस साइड में सनराइज हो रहा है। कुछ मछुआरे जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। और गाइस ये वाला जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज वो पॉइंट है जहाँ से बड़ी शिप गुजरती है, तो उसको इस ब्रिज को खोला जाता है। और वो जो पॉइंट दिख रहा है वो इंडिकेटर है बेसिकली कि कहाँ पे गहरा पानी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। और जहाँ लिटरली वहाँ पे गाइस बहुत ही गहरा पानी था और पूरा पूरा ब्लूइश वाटर था, ब्लू डार्क ब्लू वाटर। और जब भी कोई बड़ी शिप गुजरती है तो उस ब्रिज को खोला जाता है और जो भी ट्रेन आने वाली होती है उसको रोक दिया जाता है पामबन ब्रिज से पहले वाले स्टेशन पे। ये वाला नया ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि अभी इसका काम चल ही रहा है। ये वाला ब्रिज तो बहुत ही लंबा है गाइस पहले से ही, और ये वाला जो नया बन रहा है ये और भी लंबा होने वाला है, क्योंकि ये पुराना वाला ब्रिज 100 साल पुराना हो चुका है, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में बनाया गया था, बहुत पहले, 100 साल से भी ज़्यादा पहले बनाया गया था। और जब 1964 में गाइस सुनामी आया था, जो तबाही आई थी, इसमें पूरा धनुषकोटी गांव, पूरा रामेश्वरम उधर गया था, रामेश्वरम को फिर से बसाया गया और धनुषकोटी तो पूरा का पूरा उधरा हुआ ही रह गया। तो इसी ब्रिज पे गाइस उस टाइम एक ट्रेन गुजर रही थी जिसमें 100 लोग सवार थे, और वो 100 के 100 लोग पूरे मर गए थे, पूरे लापता हो गए थे सारे के सारे, पूरे ट्रेन का बुरा हाल हो गया था, कोई नहीं बचा था गाइस उस हादसे में, कोई भी नहीं बच पाया था, कोई भी नहीं। और धनुषकोटी गाँव का हाल आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही गाइस कि क्या हाल हुआ है वहाँ पे लोगों का। यहाँ का जो मेन एक्सपीरियंस है गाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइज, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुंदर है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है गाइज। बीच में स्टोन्स भी हैं यहाँ पे, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ब्लू वाटर है पूरा, देखो आप। इस पूरे ब्रिज को क्रॉस करने में गाइज तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय लगता है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लो जाती है। स्लो इसलिए जाती है क्योंकि इसके दोनों साइड में कोई भी सपोर्ट नहीं है गाइस इसके लिए, ट्रेन के लिए, तो ट्रेन चलने के टाइम हिलती है जब फास्ट चलती है ट्रेन, इसलिए इसको स्लो चलाया जाता है ताकि ट्रेन हिले ना ब्रिज पे और एकदम सीधी सीधी चलती रहे। और सनराइज देखो यहाँ पे आपको लग रहा है, ये होता है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जो आपको हमेशा याद रहता है, आप कभी नहीं बोलते हो, इसको कहते हैं लाइफ टाइम एक्सपीरियंस गाइस। बहुत मजेदार है। और इस पॉइंट से गाइस हमारा एंड हो रहा है, पामबन ब्रिज ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बताओ गाइस कि आपको कैसा लगा ये पामबन ब्रिज।
यहाँ पे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है क्योंकि नीचे पूरा कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे बूथ पे, बट अगर एक्सपीरियंस करना है लाइफ टाइम आपको तो ये तो करना बहुत जरूरी है यार। बिना डर के कोई भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आप नहीं ले सकते कभी भी नहीं। जो भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होती है किसी भी चीज़ में आपको उसमें थ्रिल होता ही है गाइस, और थ्रिल के बिना आप कोई भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कभी नहीं कर पाओगे। और यहाँ से पाम्बन ब्रिज के एंड होते ही ट्रेन की स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो गई है। अभी टोटल टाइम हो गया है 6:15। 5:55 में जो है हमारी पहुँची थी पाम्बन ब्रिज पे, और 6:15 में हमारी ट्रेन पाम्बन ब्रिज को क्रॉस कर चुकी है। चलो अब यहाँ से हमें मदुरई पहुँचना है, जो कि मदुरई पहुँचने का टाइमिंग है 9:30। और ये ट्रेन गाइस आपको रामनाथपुरम होते हुए भी जाती है, उसकी टाइमिंग मैं आपको देख के बताता हूँ। चलो यहाँ से रामनाथपुरम होते हुए मदुरई तक का सफ़र करता है। और गाइस सनराइज देखो क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार। अभी हम पहुंचे गए मंडपम स्टेशन पे, जो कि इंडिया का लास्ट स्टेशन भी कहा जाता है। वो इसलिए गाइज क्योंकि रामेश्वरम को आइलैंड बोला जाता है, जो कि समुद्र के बीच में बसा हुआ है, और मंडपम के बाद जो पाम्बन ब्रिज आता है वो रामेश्वरम जाने का एक रास्ता है, इसलिए वो ब्रिज समुद्र के ऊपर बना हुआ है गाइज। और रामेश्वरम एक बेसिकली एक आइलैंड है। तो चलो यहाँ पे अपना 2 से 3 मिनट का हॉल्ट है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम रामनाथपुरम के लिए। तो यार अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है मंडपम से, और अगला जो स्टेशन आएगा वो है रामनाथपुरम। तो चलो यहाँ से आपको डायरेक्ट रामनाथपुरम के स्टेशन पे मिलेंगे। चलो तो गाइज अभी हम पहुँचे हैं रामनाथपुरम। ट्रेन हमारी लेट चल दी है गाइज, यहाँ भी पहुँचाने का टाइम था 6:55 और ट्रेन पहुंची है 7:03 में। 10 मिनट का डिले है गाइस, और 2 मिनट का हॉल्ट है बस यहाँ पे गाइस। यहाँ से फिर निकलेगी आगे ट्रेन 2 मिनट के बाद। तो गाइस निकल चुकी है रामनाथपुरम से ट्रेन, यहाँ से अगला स्टेशन है मदुरई ईस्ट, उसके बाद मदुरई का मेन जंक्शन आता है। चलो यहाँ से आप मदुरई ईस्ट तक का रास्ता देखो, उसके बाद वहाँ से मदुरई जंक्शन जाएंगे। गाइज अभी पहुंच गए अपन मदुरई ईस्ट, और यहां से अगला जो स्टेशन है वो है मदुरई जंक्शन, जो हमारा स्टॉपेज है, जो इस ट्रेन का भी स्टॉपेज है। वहां से ये ट्रेन आगे नहीं जाती क्योंकि इस ट्रेन का नाम ही है मदुरई एक्सप्रेस स्पेशल। तो यहां से 1 मिनट का होल्ट है यहां पे, 1 मिनट के बाद यहां से निकलेगी ट्रेन, जो कि ऑलमोस्ट होने वाला है। तो चलो यहां से आप मदुरई जंक्शन तक की जर्नी देखो, अब आगे मिलते हैं आपको। चलो तो गाइज फाइनली पहुंच गए हम मदुरई जंक्शन, और ये हमारा लास्ट स्टॉपेज है गाइज। यहाँ पे उतरेंगे हम, और यहाँ से देखना है कि हमें कहाँ पे जाना है, बाकी सारी डिटेल आपको उतर के बताएंगे। ये कुछ ऐसा है गाइज मदुरई जंक्शन। तो गाइज मैं पहुंच गया मदुरई जंक्शन, आप लोगों ने बताया था मैंने 9:30 में पहुँच गए थे हम, टाइम नहीं पहुँच गए थे, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। और यहाँ से अब नीरज को निकलना है यहाँ से एर्नाकुलम, और मुझे निकलना है कन्याकुमारी के लिए। 1 बजे रात में मेरी ट्रेन निकलेगी यहाँ से कन्याकुमारी के लिए, और मुझे कन्याकुमारी पहुँचाएगी वो 5:55 में। अगर लेट भी हुआ तो 6 बजे या 6:30 के आसपास मुझे पहुँचाएगी कन्याकुमारी। तो आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, या फिर
डायरेक्ट 1 बजे सुबह सुबह। चलो गाइज मिलते हैं आपसे। हे गाइज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो या गुड नाइट बोलो, क्या बोलो पता नहीं अभी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:32 रात के या सुबह के आप जो बोलो, और हमारी ट्रेन आने वाली है 1 बजे। 12:30 हो गए हैं, चलो जल्दी से चलते हैं प्लेटफॉर्म का पता करके वहाँ पे। तो गाइज पता कर लिया है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी हमारी ट्रेन और 1 बजे आएगी। चलो गाइस हमारी ट्रेन निकल चुकी है माधुरी जंक्शन से। हमारा जो मेन पहुंचने का टाइम है कन्याकुमारी वो 5:55 है, देखते हैं कब तक पहुंचती है ट्रेन। और गाइस यहां पे जनरल बोगी का हाल देखो आप, चलो आप यहां से रास्ते देखो थोड़े बहुत, मिलते हैं आपको डायरेक्ट अब यहां से कन्याकुमारी जंक्शन पे। तो गाइस पहुंच के कन्याकुमारी जंक्शन पे, अब यहाँ पे मुझे पूरा दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि मेरी ट्रेन है यहाँ से कन्याकुमारी टू दिल्ली के लिए शाम में 7:25 में, और अभी हो रहा है टाइम 6:20। 3 दिन की जर्नी है ट्रेन में जो कि कन्याकुमारी से दिल्ली की होगी। ये जो आज का हमारा रामेश्वरम पाम्बन ब्रिज के थ्रू होते हुए हम जो कन्याकुमारी पहुँचे हैं, ये वाली जर्नी हम यहाँ पे एंड करेंगे गाइस आज। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ गाइस कि आपको कैसा लगा, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो गाइज तो आप प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सबको दिखाओ, अपने फैमिली में दिखाओ, दोस्तों को दिखाओ। और प्लीज़ गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दो, ताकि मैं जो भी वीडियोज नए नए डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो गाइज मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, दोस्तों दानिया, टाटा, जय हिंद।